तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है मोटो का मोटो एच 40 न्यू 5G स्मार्टफोन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के अंदर पबजी यानी BGMI का गेम प्ले टेस्ट। और आपको बताने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 का 5G प्रोसेसर मिलता है वो कैसा वर्क करता है, और इसमें जो हमारी BGMI की पबजी की गेमिंग है वो कैसी क्या यहाँ पर जो है प्ले होती है, कैसी क्या परफॉर्मेंस हमें देती है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे निकुल ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो आप पर देख सकते हैं हमने BGMI को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, हमारा जो BGMI है यहाँ पर ओपन हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर ओपन हो जाता है दोस्तों, मैं आपको इसमें बताऊंगा सबसे पहले तो इसकी ग्राफिक्स के बारे में कि आपको इसमें कहाँ तक की ग्राफिक्स मिल जाती है, फ्रेम रेट आपको कितना क्या मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसके जायरोस्कोप के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसके गेमिंग के बारे में, गेम प्ले के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एरो का ऑप्शन दिखता है दोस्तों, यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें ग्राफिक्स का ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कर देते हैं सेटिंग पर क्लिक। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ग्राफिक्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम आ जाते हैं ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ ग्राफिक्स पर। अभी यहाँ पर आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, अभी हमारा जो ग्राफिक्स है यहाँ पर स्मूथ पर है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम हमारी जो ग्राफिक्स है वो चेक करते हैं कि कहाँ तक हमें ग्राफिक्स मिल जाती है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेता हूँ। कम करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स चेक करें तो सबसे पहले आपको स्मूथ मिल जाती है, बैलेंस मिल जाती है, HD मिल जाती है, और HDR भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाती है। HDR के बाद दोस्तों आपको UHD और दोस्तों एक्सट्रीम HD यहाँ पर जो है वो नहीं मिलती। फ्रेम रेट की बात करें तो यहाँ पर जो है आप HDR में अल्ट्रा तक गेमिंग प्ले कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है ग्राफिक्स का। अब यहाँ पर जो है जायरोस्कोप की बात कर लेते तो यहाँ पर आते हैं एडवांस कंट्रोल में। यहाँ पर आते तो यहाँ पर दोस्तों आपको जायरोस्कोप भी मिल जाता है। आप इसे स्कोप ऑन और दोस्तों ऑलवेज ऑन कर सकते हैं। जायरोस्कोप भी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारे गेमर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, काफ़ी यहाँ पर जो है मायने रखता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम एक गेम प्ले कर लेते हैं। गेम प्ले करने के बाद आपको यहाँ पर जो है गेमिंग बताते हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको कैसी क्या यहाँ पर जो है गेमिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने गेम प्ले यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, हम इसमें गेमिंग देखेंगे कि गेमिंग कैसी क्या हमें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर चलिए गेमिंग की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आ चुके हैं गेमिंग के अंदर। यहाँ पर जो हम जंप कर चुके हैं, तो जंप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो मैप के कलर्स हैं, यहाँ पर जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो आपके काफ़ी अच्छे कलर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो है कलर्स और जो शेडो है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर जो हमें फील हो रहा है गेमिंग करते समय। अब यहाँ पर जो कंट्रोल्स की बात कर लेते तो यहाँ पर जो कंट्रोल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम जंप कर रहे हैं, क्लिम कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम रन कर रहे हैं, यहाँ पर जो कोई भी चीज़ पिक कर रहे हैं, तो यहाँ
पर जो है हमें काफ़ी स्मूथली यहाँ पर जो है पबजी हमारा वर्क कर रहा है, काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो जायरोस्कोप भी आप दे सकते हैं, जायरोस्कोप यहाँ पर कर रहा है तो जायरोस्कोप भी यहाँ पर जो काफ़ी सही वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए हम आते हैं और दोस्तों यहाँ पर जंप करते हैं, रन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो हमें फील हो रहा है, मतलब कोई भी डिले देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी लेग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जंप किया। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं मतलब प्रॉपरली यहाँ पर जो वर्क कर रहा है एक टाइमिंग के साथ यहाँ पर वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है इधर हमें। तो यहाँ पर दोस्तों हम और गेम प्ले करते हैं, आपको लाइव गेम प्ले दिखाते हैं। यहाँ पर जो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दूंगा बीच में ताकि हमारी जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए यहाँ पर आपको गेम प्ले दिखाते हैं और लास्ट में भी एक बार और रिव्यू देते हैं आपको इसका। तो दोस्तों फाइनली इस स्मार्टफोन में हमने BGMI जो प्ले किया, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस स्मार्टफोन में जो हमारा BGMI है काफ़ी सही यहाँ पर वर्क कर रहा है। हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो बीच में आपको यहाँ पर लैग फील देखने को मिल रहा था वो इसका जो है मोबाइल का कोई भी ग्लिच नहीं था, ग्लिच था हमारे नेटवर्क का। हमने इसमें वाईफाई कनेक्ट करके रखा था तो हमारा जो वाईफाई है वो यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर नेटवर्क मिल नहीं पाया, इस कारण से हमारा बीच में थोड़ा स्मार्टफोन जो यहाँ पर लैग टाइप किया था, यहाँ पर बीच में अटका था। बाकी इस स्मार्टफोन में आप काफी अच्छी गेमिंग प्ले कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसमें आपकी जो कर्वनेस की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है, आपके जो कंट्रोल्स हैं थोड़े यहाँ पर जो है आइट साइड भाग सकते हैं। बाकी गेमिंग के लिए परफेक्ट स्मार्टफोन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैमरे के मामले भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है, आप पबजी की गेमिंग काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। बाकी आप भी आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।